हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात कर लेते हैं एक ट्रेड की जो हमने कल क्लोज किया था। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। तो चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले पीएनएल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो चोला फाइनेंस का ये जो हमने ट्रेड है अराउंड, इसमें 20,000 प्रॉफिट हमने किया था ये वाले अकाउंट में। तो इसका गाइस वीडियो ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो पावर ग्रिड ये जो स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा था, इसका जो ट्रेड है गाइस मैंने कल क्लोज किया था, बट कल मुझे वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिला तो इसलिए आज बना रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैंने अराउंड 202.5 सी मैंने गाइस ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, मैंने ये वाला कॉल शॉर्ट किया था और अराउंड 9,500 का प्रॉफिट हमने ये वाले स्टॉक में बुक किया है। तो चलो अभी देखते हैं गाइस ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। अभी चलो सबसे पहले हम लोग पावर ग्रिड का अगर डेली चार्ट लगाते हैं, तो सबसे पहले मैं मेरे मूविंग एवरेजेस प्लॉट कर देता हूँ। तो गाइस अगर आप देखोगे तो 5813, लेट से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं या। तो अगर आप देखोगे गाइस, तो 5813 का एक यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर दिया है इस स्टॉक ने 11 फरवरी को। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग हमारे अलग अलग इंडिकेटर्स प्लॉट करके। सबसे पहले गाइस मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे RSI। तो अगर गाइस अगर आप RSI देखोगे तो RSI गाइस हम लोग बुलिश के लिए 60 के ऊपर प्रेफर करते हैं और बेरिश के लिए हम लोग 40 के नीचे प्रेफर करते हैं। तो चलो अभी देखते हैं कि 11 फरवरी को जब उसने यहाँ पे एक बेरिश क्रॉस ओवर दिया, तब RSI का वैल्यू गाइस 40 के नीचे नहीं था। RSI का वैल्यू गाइस 40 के नीचे कब गया, अगर आप देखोगे ये वाला कैंडल 16 फरवरी का, तो ये वाले गाइस कैंडल में RSI का जो वैल्यू है वो 40 के नीचे गया। तो चलो अभी हमारे अलग अलग इंडिकेटर्स और भी प्लॉट कर देते हैं। अगला इंडिकेटर होगा हमारा MACD गाइस। तो अगर आप 16 फरवरी का कैंडल को देखोगे तो RSI भी 40 के नीचे गया है और MACD का भी वहाँ पे एक बेरिश क्रॉस ओवर हो चुका है। तो चलो अभी प्लॉट करते हैं हमारा अगला इंडिकेटर गाइस, जो कि है स्टोकेस्टिक। आप सब लोग को पता है कि गाइस स्टोकेस्टिक का जो सेटिंग मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं 933 ये जो है स्टोकेस्टिक का सेटिंग यूज़ कर देता हूँ। और गाइस लेवल कौन सा बनेगा इसमें हमारा 50। तो गाइस इसमें स्टोकेस्टिक में 50 के ऊपर हम लोग बुलिश के लिए प्रेफर करते हैं और 50 के नीचे गाइस हम लोग यहाँ पे बेरिश के लिए प्रेफर करते हैं। तो चलो अभी 16 फरवरी का अगर मैं कैंडल देखूँ, तो 16 फरवरी के कैंडल में गाइस RSI जो है 40 के नीचे था यहाँ पे, एक MACD का भी यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर हो गया था और स्टोकेस्टिक भी गाइस हमारा यहाँ पे 50 के नीचे था। तो चलो अभी गाइस हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट कर देंगे वो हम लोग देखेंगे। ये सारे इंडिकेटर्स मैं हटा देता हूँ आप सब लोग के लिए, लेट से मैं इन सबको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो चलो गाइस अभी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे गाइस, ATR ये इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अगर मैं 16 फरवरी का कैंडल देखूँ, तो गाइस 16 फरवरी के कैंडल में अगर आप एक सेकेंड, आपको ये वैल्यू दिखनी चाहिए यहाँ पे, हाँ। तो गाइस 16 फरवरी के कैंडल का अगर मैं क्लोजिंग देखूँ तो अराउंड कितना है, 196.3। तो चलो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा गाइस यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए। तो लेट से कि अगर मैं 16 फरवरी का यहाँ पे कैंडल देखूँ तो इसका क्लोजिंग प्राइस गाइस क्या था, 196.3। और गाइस अगर आप उसका ATR देखोगे, ATR आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो गाइस यहाँ पे उसका ATR क्या था गाइस, 5.64। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो समर अराउंड 202 के करीब निकलते आ रही है। तो इसीलिए गाइस मैंने क्या किया, जो उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस थी जो कि यहाँ पे 202.5, ये गाइस इसका जो सी है मैंने शॉर्ट कर दिया। तो चलो अभी देखते हैं कि इसका जो ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है इसका चार्ट देखते हैं। तो गाइस ये जो है 16 फरवरी का जो चार्ट है, तो अगर आप देखोगे इसका क्लोजिंग कितना था, अराउंड 1.7। तो गाइस इसके इमीडिएट दूसरे दिन मतलब 17 फरवरी को गाइस मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और लगभग हाई पे ही मैंने इसको शॉर्ट किया था। तो 2 रुपये के करीब गाइस मैंने इसको शॉर्ट किया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो 2 रुपये के करीब मैंने इसको शॉर्ट किया था। और अगर आप यहाँ पे PNL चेक करोगे तो मैंने 2 रुपये पे शॉर्ट करके गाइस यहाँ पे 0.2 रुपीज में इसको क्लोज किया था। तो कल का जो लो था, अगर आप देखोगे ये कल का लो है, तो अराउंड 0.2, तो एकदम मैंने लो पे ही इसको यहाँ पे मेरा पोर्शन कवर कर लिया था। तो गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 90% ऑफ द प्रीमियम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बुक किए। तो गाइस यही था हमारा पावर ग्रिड का ट्रेड। अगर आप देखोगे तो ये वाले अकाउंट में अराउंड 30,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया है। मार्जिन डिप्लॉयड अराउंड 3-3.5 लाख के करीब होगा, मतलब ऑलमोस्ट हमने 8-10% का गेन ये वाले अकाउंट में हमने किया है, ये दो स्टॉक्स में, पावर ग्रिड और चोला फाइनेंस। तो गाइस यही था हमारा आज का ट्रेड। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।